भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव फिलहाल बिग बॉस के मेन घर में पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप लोगों ने कल रात देखा, खेसारी लाल यादव फिलहाल बिग बॉस के मेन घर में पहुंच चुके हैं, जहां पर उनकी ग्रैंड एंट्री सलमान खान की मौजूदगी में हुआ। और कल सबसे बड़ा धमाका ये हुआ कि सलमान खान को चखाया बिहार का लिट्टी चोखा खेसारी लाल यादव ने। जी हाँ, बिहार का लिट्टी चोखा खेसारी लाल यादव ने सलमान खान को खिलाया, जिसकी वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि फिलहाल सलमान खान के शो बिग बॉस में खेसारी लाल यादव को पूरा एक हफ्ता हो चुका है, और सवाल ये उठता है कि आखिर पहले हफ्ते की सैलरी खेसारी लाल यादव को कितनी मिली। आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है खेसारी लाल यादव पूरा एक हफ्ता बिता चुके हैं बिग बॉस के घर पे। अभी तक एक हफ्ता वो सीक्रेट रूम से सभी को घर के सदस्यों को देख रहे थे, उनका हाव भाव ले रहे थे, और अब उनकी ग्रैंड एंट्री हो चुकी है बिग बॉस के मेन घर में। लेकिन एक हफ्ते की सैलरी यानी पहले हफ्ते की सैलरी खेसारी लाल यादव को इन दिनों मिल चुकी है। जी हाँ, पहला चेक खेसारी लाल यादव को बिग बॉस के घर से मिल चुका है। आरए रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है खेसारी लाल यादव का पहला चेक 2 लाख रुपए का मिला है। जैसा कि आप लोग जानते हो, पर वीक बिग बॉस के कंटेस्टेंट को सैलरी दी जाती है, तो खेसारी लाल यादव भी एक हफ्ता बिता चुके हैं और खेसारी लाल यादव को पहले हफ्ते के लिए लगभग 2 लाख रुपए की अमाउंट दी गई है। और जैसे जैसे खेसारी लाल यादव घर में रहेंगे, वैसे वैसे उनको सैलरी भी दी जाएगी। अगर खेसारी लाल यादव जीतते हैं तो उनको 50 लाख रुपए और एक बिग बॉस घर का इनाम। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि खेसारी लाल यादव जीतते हैं या नहीं, ये सब तो आप लोगों पर निर्भर करता है। और फिलहाल सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को उनका पहला चेक मिल चुका है, जो चेक की अमाउंट है लगभग 2 लाख रुपए, यानी पहले हफ्ते की सैलरी खेसारी लाल यादव को मिल चुकी है 2 लाख रुपए। जानकारी के मुताबिक खेसारी लाल यादव के साथ 2 और कंटेस्टेंट है, जिसमें यसीन पूनेवाला जो राजनीतिक विशेषज्ञ है, उनकी सैलरी लगभग 1 लाख रुपए पर हफ्ते लगाई गई है। वहीं पर शेफाली की सैलरी लगभग 90,000 रुपए लगाई गई है, और खेसारी टीम में सबसे ज्यादा सैलरी खेसारी की ही है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें।